हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस. दिस इज रमीज, सीनियर फैकल्टी अभिमन्यु आईएएस. टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट फाइनली द वेट इज ओवर फॉर द रिजल्ट ऑफ द एचसीएस मेंस एग्जामिनेशन. एचसीएस मेंस एग्जामिनेशन के रिजल्ट आ चुकी है और बहुत लोग जो ईगरली वेट कर रहे थे रिजल्ट्स का, फाइनली द वेट इज ओवर. सबसे पहली बात कि जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, जिनका मेंस क्लियर हो गया, कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम. एंड स्पेशली द स्टूडेंट ऑफ अभिमन्यु जिन्होंने दे हैव अगेन मेड द बेसिकली द एंटायर फैमिली ऑफ अभिमन्यु प्राउड कि उन्होंने मेंस को सिक्योर किया. दे वुड बी अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज. एंड सेकेंडली वो लोग जिनका नहीं हुआ है, इट्स माई शेयर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू नॉट फील डीमोटिवेटेड. कॉन्फिडेंट रहिए, डीमोटिवेट फील ना करें. ठीक है, यू हैव अपियर्ड फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन, दैट मेक्स अ ग्रेट सेंस. ठीक है, देर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट चांस एंड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट. प्लीज स्टे मोटिवेटेड और दोबारा आप प्रीलिम्स के लिए, दोबारा पेपर के लिए अपने आप को मोटिवेटेड रखिए. और साथ ही साथ अभी आप देखोगे कि 16 जून के अंदर यूपीएससी का प्रीलिम्स होना है, तो आप उसके भी होप्स हो कि आप लोगों ने उनकी प्रीलिम्स की फॉर्म जरूर भरी होगी, तो आप उस पर फोकस करें. डू नॉट फील डिस्ट्रैक्टेड कि हाँ मेंस नहीं हुआ, तो डू नॉट फील डीमोटिवेटेड. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये होता रहता है, पेपर्स देते रहते हैं. तो हो सकता है कि अभी आपका इधर नहीं हुआ, तो आपका अभी इधर प्रीलिम्स क्लियर होगा यूपीएससी के अंदर. तो डू नॉट फील डीमोटिवेटेड एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, अब नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इस नोटिफिकेशन में बतानी है आपको, जो बाहर आई हैं इस नोटिस में, कि ये जो प्रीलिम्स मेंस एग्जामिनेशन दो दिन के अंदर हुई थी, ये उनके सिलेक्शन से समवेयर अराउंड 300 अप्रॉक्सीमेटली 300 स्टूडेंट्स की मेंस की एग्जामिनेशन क्लियर हुई हैं. और इस टाइम पे सीटें जो थी वो 95 के आसपास थी, 95 सीट्स थी और कुछ बैकलॉग्स हैं जिनको फिल होना है. तो उसके अकॉर्डिंग इन सब को, ये 300 लोग जो हैं, इनको इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा. ठीक है, और दूसरी बात जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखनी है आपने इस नोटिफिकेशन में, दैट इज़ की कुछ कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने डीएसपी के लिए पोस्ट भरा हुआ है, डीएसपी के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी. तो डीएसपी के लिए ये होता है, फिजिकल होती है तो उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है. तो फिजिकल का जो वेन्यू, डेट और टाइम, ये अभी मेंशन नहीं किया गया है कि कहाँ पे. लास्ट टाइम जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली ये पंचकुला के अंदर ही होता है, वहीं पे सबको बुलाया जाता है. तो बट डेट और टाइम और वेन्यू, जगह, डेट और टाइम, ये अभी बताया नहीं गया है. ये आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, बताया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा. सेकेंडली जो इंटरव्यूज स्टार्ट होने हैं, पर्सनालिटी टेस्ट, जो इंटरव्यूज स्टार्ट होने हैं, जो इंटरव्यू बोलते हैं या वाइवा बोलते हैं, ये 10 जून से स्टार्ट होना है, 10th of June. तो आज कौन सा डेट है? टुडे इज 27th. और जब ये रिजल्ट सामने आ रहा है, May 27th, और 10 जून से इंटरव्यू शुरू होने हैं. तो आप देख लो आपके पास कितना टाइम है, अप्रॉक्सीमेटली 2 weeks आपको मिल रहा है इंटरव्यू के लिए. ठीक है, तो और एक चीज़ यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँ, जो भी जो एस सी एस के एस्पायरेंट्स हैं या जिन्होंने एस को टारगेट करना है या देना है, जिस पेस में हरियाणा गवर्नमेंट या हरियाणा कमीशन रिजल्ट्स निकाल रही हैं, इससे लग रहा है कि ये तो 2023 की नोटिफिकेशन थी, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 2024 की जो नोटिफिकेशन है वो इसी साल वो फिर से निकाल दे, 2024 की जो नोटिफिकेशन होनी है. तो ऑलवेज स्टे फोकस्ड एंड स्टे अपडेटेड कि अपने पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं, एससीएस को टारगेट कर रहे हैं, तो अपडेटेड रहना है आपने. और वो लोग जिनका मेंस नहीं हुआ है या प्रीलिम्स नहीं हुआ है, आप अपनी तैयारी को बिल्कुल छोड़े ना. कुछ दिन का आप थोड़ा सा, यू कैन हैव बेसिकली टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, थोड़ा सा चिल आउट कर लें आप, इधर उधर जहाँ जाना है चले जाएं, बट बिल्कुल भी कैलस नहीं होना है. कि मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, हमारा ऐसा मानना, जो एक्सपीरियंस हमारा कुछ सालों का रहा है एचसीएस के साथ, तो ये है कि 24 के अंदर ही वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जाते जाते वो 24 की भी प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन निकाल दें. ठीक है, तो आप अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी मेंटेन रखिएगा. ठीक है, तो 10 जून से आपकी इंटरव्यू शुरू होनी है. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और एक सबसे जरूरी बात, जिनका भी मेंस क्लियर हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हमारे मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम्स के जो लिंक है वो डल जाएगी, जिससे आप हमारे साथ मॉक इंटरव्यूज के लिए कनेक्टेड हो सकते हैं.
तो वी वुड बी कंडक्टिंग द मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम, ठीक है, जो कि 10 जून को होना है, और आप उस लिंक पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही साथ वो फ़ोन नंबर्स भी मेंशन है वहाँ पे, ठीक है। एक फ़ोन नंबर ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 7347432666, ये फ़ोन नंबर भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एचसीएस प्रिपरेशन, रिगार्डिंग योर मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है। सो वंस अगेन, जिनका नहीं हुआ है मीन्स डू नॉट फील डीमोटिवेटेड, देर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट चांस, डू नॉट लूज होप। और जिनका हो गया है, स्पेशली द स्टूडेंट ऑफ अभिमन्यू, दोज हु आर एबल टू मेक द मेंस एंड इंटरव्यूज के लिए, वो जिनको कॉल आई है, कंग्रेचुलेशन टू देम एंड बेस्ट ऑफ लक टू देम ऑल्सो फॉर देयर फर्दर जर्नी ऑफ द इंटरव्यूज। थैंक यू।